ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जितनी भी बदलती हुई परिस्थिति है उसके साथ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। घर दफ्तर में आज काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेन देन से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि, आज का दिन वर्किंग सेक्टर के लिहाज से अच्छा रहेगा। किसी भी बात से परेशान मत होइएगा, हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हुआ धनु राशि, आज का दिन सफलता प्रदान करने वाला रहेगा, सिर्फ आपको कदम आगे बढ़ाना है, अपने आप को हर सिचुएशन में संयमित बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले बीकानेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जयश्री जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22/5/1973 और जन्म का समय है इनका सुबह का 9:45 का। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी पंडित जी, आपसे मैंने पहले भी बात की थी, आपने मुझे ना सफेद सफायर बोला था पहनने को, तो वो आपने बोला है कि गोल्ड में बनवाना है, तो जो एक तरफ आपने बोला है कि मेरा बृहस्पति नीच का है, तो जिसका बृहस्पति नीच का तो वो गोल्ड पहन सकता है? देखो बेटा जैसी, गोल्ड पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इम्पोर्टेंट चीज होती है वो स्टोन। सोना या चांदी आपके शरीर पे उतना असर नहीं करेंगे जितना जो आप नग पहनेंगे, जो धारण करेंगे उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर येलो सफायर हो या वाइट सफायर हो, उन दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट देखना है तो उनके लिए जो सबसे शुभ धातु मानी जाती है वो सोना मानी जाती है। चांदी में पहनेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको येलो गोल्ड से अगर आपके मन में कोई वहम है तो आजकल एक रोज़ गोल्ड भी आता है, आप रोज़ गोल्ड में उसको बनवा सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मिश्रण भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को, वहम का कोई इलाज नहीं है, आप पहन के रखिए। और दूसरा, मैंने आपको जो बताया, चूँकि गुरु की महादशा चल रही है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में, भाग्यश गुरु नीच का है, जब लक फैक्टर का ऑनर नीच का हो जाए तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता है जितना हम डिजर्व करते हैं। 2028 तक ये महादशा रहेगी गुरु की, और पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए आपको, पूर्ण भाग्य सुख की प्राप्ति के लिए, पूर्ण कैरियर सुख की प्राप्ति के लिए आपको पुखराज रत्न पहनना है। गोल्ड में अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं तो रोज गोल्ड के अंदर पहन सकते हैं, क्योंकि पीला कलर जो है वो सिर्फ गुरु को ही नहीं, वो सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप मन में कोई वहम मत रखिए और कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि ये कालसर्प दोष है ये भी आपके जीवन में हर सेक्टर में रुकावट डालता है। तो एक बार योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन या नासिक जाके कालसर्प दोष की पूजा भी करवा लीजिएगा। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं मध्य प्रदेश से। इनके जन्म की तारीख है 2/12/1980 और इनके जन्म का समय सुबह का 4:30 से लेकर 6 के बीच का। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। संजय जी, अपना सवाल पूछिए। संजय जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी, लगता है कि तो कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, वो जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी कब तक हो जाएगी? देखिए संजय, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली तो समस्या है आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ काल सर्प दोष। जब तक आप सर्प दोष की विधान से पूजा नहीं कराएंगे, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर पास में उज्जैन पड़ता है तो एक बार काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि चंद्र गुरु की युति बनी हुई, शनि चंद्र गुरु गज के श्री योग और शनि चंद्रमा विष योग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैथमेटिक्स का फार्मूला प्लस इंटू माइनस माइनस कर देता है, लेकिन फिर भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2017 के पश्चात में आपके विवाह का तय होने का योग बनता है और 2017 के अंत तक में आपका विवाह भी हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ ये, एक तो कालसर्प दोष की पूजा करवा लीजिए, दूसरा आपके वजन के बराबर जितना आपका वेट है उस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कर दीजिए, तीसरा कम से कम 40 दिन का नियम बांधिए कि आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है,
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और कोई मंत्र नहीं कर सके तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित दौर में 40 दिन में ही आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो भी प्रायोरिटीज हैं आपकी, आज उनको अच्छे से समझकर और उनके ऊपर एक्शन लीजिएगा। आपका जो मन है आज वो इधर उधर भटकता हुआ रहेगा, लेकिन दिन के अंत तक में सब ठीक होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी हो सकता है जो कि आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए ओम सर्वभावाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि। अपने मन पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी इमोशंस को अपने चेहरे पर मत आने दीजिए, ना उसको अपने शब्दों में व्यक्त कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए ओम हराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप लोगों के सामने अपनी बात जितनी विनम्रता से रखेंगे उतने ही सफल होंगे। नौकरी में कामकाज बेहतर रहेगा। उलझे सवालों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ न बोलने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगी हुई दीवार घड़ी, क्लॉक, वॉच आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है, आपके जीवन को प्रभावित करती है? निश्चित तौर पे दोस्तों, वास्तु सम्मत दिशा में लगी हुई दीवार घड़ी क्लॉक जहां आपके जीवन की, आपके घर की सुख शांति समृद्धि को बढ़ाती है, वहीं गलत दिशा में लगी हुई घड़ी नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां देती हैं, बच्चों को गलत संस्कार में डाल देती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस देती हैं, बीमारियां देती हैं। किसी भी घर के लिए, ऑफिस के लिए क्लॉक, घड़ी एक जरूरी यंत्र माना जाता है। ये जो वॉच है, घड़ी जो है, कुदरत की सबसे अनमोल सौगात यानी समय की जानकारी देती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक घड़ी के जो स्वरूप हैं, डिजाइंस जो हैं, वो बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली है, वो है समय। घड़ी के डिजाइन बदलते गए लेकिन समय कभी नहीं बदला है। वो समय जो है वो नियमित गति से चलता है, कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। भारतीय वास्तुशास्त्र में, फेंगशुई में भी बताया गया है कि जो घड़ी है वो मनुष्य के लिए कैसे अच्छा और बुरा समय लेकर आ सकती है। तो घर में घड़ी से संबंधित, वॉच दीवार घड़ी से संबंधित कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में शास्त्र में अनेक नियम बताए गए। इससे हम जीवन में शुभ समय की शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन सरल से नियमों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा और अपने घर में नजर घुमाते जाइएगा जो मैं बता रहा हूं वो सही है कि नहीं। चूंकि दक्षिण दिशा यम का रास्ता मानी जाती है, दूसरे शब्दों में कहें तो मृत्यु की दिशा मानी जाती है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण हिस्से में कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। साउथ वॉल पे कभी भी घड़ी मत लगाइए। साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में लगाई हुई घड़ी जो है वो घर के सदस्यों की आयु को कम करती है, सौभाग्य के लिए अशुभ मानी जाती है। घड़ी मतलब जैसे कांटा घूमता है उस दिशा के प्रभाव बढ़ाती है, इसलिए जो दक्षिण दिशा है उसमें कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। पश्चिम दिशा शनि की दिशा मानी जाती है, साथ ही खर्चे की दिशा मानी जाती है, गलत संस्कार कोर्ट कचहरी की दिशा मानी जाती है। यदि वेस्ट वॉल के ऊपर पश्चिम दिशा में घड़ी लगाते हैं तो घर में आमदनी के मुकाबले खर्च की अधिकता रहती है, मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो बीमारियों के इलाज में खर्च होता है, बच्चे गलत संस्कार के अंदर पढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। बंद पड़ी हुई बहुत पुरानी, बार बार खराब होने वाली, धुंधले शीशे वाली घड़ियां शुभ नहीं मानी जाती है। ये परिवार की सफलता में बाधक मानी जाती है, परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता है। वास्तव में बंद घड़ी जो है वो ठहराव और पतन का सूचक मानी जाती है। लोगों को शौक होता है घर के ड्राइंग रूम में घड़ियों का कलेक्शन करने का, उसमें से 90% घड़ियां बंद होती हैं। जिसके घर में बंद घड़ियां होती हैं उनके घर के जीवन, घर के सदस्यों का जीवन जो है, उसकी तरक्की जो है वो भी बंद हो जाती है।
घड़ी का समय बिल्कुल सही या 2-3 मिनट आगे रखना चाहिए। निर्धारित समय से पीछे रखने से जीवन में बाधाएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति परिश्रम का फल और प्रसन्नता प्राप्त करने में पीछे रहता है। दैनिक कार्यों में तो परेशानी होती, तो अपनी घड़ी को पीछे मत रखिए। और घड़ियों के मुकाबले पेंडुलम वॉच जो होती है वो घड़ी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। पहले जमाने में पेंडुलम वॉच चला करती थी, आजकल बंद हो गई है। रसोई घर में आजकल हम बाथरूम रसोई घर के अंदर घड़ी लगा देते हैं। ऐसे घर जिनमें बाथरूम के अंदर घड़ी लगी हो, स्नानाघर में लगी हो, टॉयलेट में लगी हो, रसोई घर में लगी हो, क्रोध की अधिकता रहती है। स्नान घर और टॉयलेट में जो लगी हुई घड़ी है वो नेगेटिविटी को बढ़ाती है। तो जो सबसे शुभ दिशा जो बताई गई है, नॉर्थ दिशा में भी उत्तर दिशा में भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए, फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। और पूर्व दिशा जो है वो सबसे शुभ मानी गई है। पूर्व दिशा के अंदर यदि आप घड़ी लगाते हैं निश्चित तौर पर यश मान वैभव सम्मान सुख प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर का वास होता है। निश्चित तौर पर आप अपने घर की जो घड़ियां हैं, सबसे पहली जो डायरेक्शन है पूर्व, उसके बाद में उत्तर दिशा, इन दो दिशाओं के अंदर यदि घड़ी लगाते हैं तो निश्चित तौर में घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। सूर्य आपके जीवन में यश मान वैभव प्रदान करने वाला माना जाता है, इसलिए पूरब और उत्तर दिशा दोनों में से एक दिशा के अंदर घड़ी लगाइए। निश्चित तौर पे आपके घर में शुभ समय का आगमन होता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।